Hello and welcome everyone to class 10th computer class. Today in this video we are going to learn about some topics like home page and URL and web address. So let's get started. So home page क्या होता है? Home page एक तरीके का gateway है, मतलब एक तरीके का रास्ता है. किसके लिए? Websites के लिए. और ये जो website है, जो भी वेबसाइट होती है, उस वेबसाइट का जो होम पेज होता है उसको हम फर्स्ट पेज नाम से भी जानते हैं. जैसे कि आपके बुक का जो कवर पेज होता है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आपकी बुक का होम पेज है. और इसी तरीके से जब भी कोई वेबसाइट आप ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद सबसे पहले जो चीज़ आपको डिस्प्ले होती है वो होम पेज डिस्प्ले होती है. तो ये जो होम पेज होता है इसमें उस वेबसाइट में जो और सारे पेजेस होते हैं उन पेजेस का लिंक जो है होम पेज में रहता है. और उस होम पेज से आप उस वेबसाइट के अलग अलग पेजेस में जा सकते हैं. तो ये जो होम पेज है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेज होता है किसी वेबसाइट का, क्योंकि ये उस वेबसाइट का फर्स्ट इम्प्रेशन होता है. उस वेबसाइट की क्या खासियत है, उस वेबसाइट का कैसा इम्प्रेशन यूज़र के ऊपर पड़ेगा, ये सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं उस होम पेज के ऊपर. तो जो होम पेज है वो बहुत ही प्रोफेशनल होना चाहिए, आर्टिस्टिक तरीके से, इथिकल तरीके से बना होना चाहिए. सो दैट कि जिस पर्पज़ के लिए वो वेबसाइट बनाई गई है वो पर्पज़ जो है वो पूरा कर सके होम पेज, और अपने अंदर सही इंफॉर्मेशन अपने अंदर उसको कंटेन करना चाहिए. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेब एड्रेस. तो वेब एड्रेस क्या होता है? जैसे कि हर एक घर का अपना एक एड्रेस होता है और उस पर पोस्टमैन जो है आपके कोई भी लेटर को उस पर्टिकुलर एड्रेस पे पहुंचा जाता है, उसी तरीके से इंटरनेट की दुनिया में भी वेब एड्रेस होते हैं जिसको कि हम URL नाम से भी जानते हैं. तो जैसे कि आपने बहुत सारे वेब एड्रेस देखे होंगे, जैसे http://www.google.com. तो ये क्या है? ये एक वेब एड्रेस है. किसका वेब एड्रेस है? गूगल का वेब एड्रेस है. जब आप ये वेब एड्रेस डालेंगे तो जो है इंटरनेट आपको क्या करेगा, इंटरनेट आपको गूगल के पेज पे आपको ट्रांसफ़र कर देता है. तो ये जो वेब एड्रेस होता है ये एक तरीके का पाथ होता है जिसको फॉलो करके इंटरनेट या वेब ब्राउज़र आपको वो स्पेसिफिक पेज खोल के देता है. तो जो वेब एड्रेस है ये वेब एड्रेस इस्तेमाल किया जाता है कि जो भी इंटरनेट पे इंफॉर्मेशंस हैं उसको आप पा सकें, उसको आप जान सकें. तो अगर आपको किसी एक वेब पेज को खोलना है, किसी एक पेज को खोलना है, तो आपको उस पेज को खोलने के लिए उस वेब एड्रेस को इंटर करना पड़ेगा. तो जब आप उससे संबंधित एड्रेस को आप इंटर करेंगे ब्राउज़र के एड्रेस वाले बार में, तो जो है आपको वो वेब पेज डिस्प्ले हो जाता है. तो हम बात कर रहे थे URL या फिर वेब एड्रेस की. तो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. ये जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है ये एक ऐसा एड्रेस है जिससे कि आप किसी भी चीज़ को, किसी भी रिसोर्स को आप इंटरनेट पे फाइंड आउट कर सकते हैं. इसको वेब एड्रेस नाम से भी जाना जाता है. इसमें मेजर जो है वो दो कंपोनेंट्स होते हैं इस URL में. एक होता है प्रोटोकॉल और दूसरा होता है डोमेन नेम. तो जो प्रोटोकॉल है वो फर्स्ट कंपोनेंट होता है, सबसे पहला कंपोनेंट होता है किसी भी URL का, और ये मेन एक्सेस मीडियम होता है. सबसे पहला एक्सेस अगर कोई वेब ब्राउज़र करता है किसी एड्रेस का तो वो प्रोटोकॉल को एक्सेस करता है. उसके बाद जो सेकंड कंपोनेंट होता है डोमेन नेम. ये जो डोमेन नेम है ये डोमेन नेम वेब ब्राउज़र को हेल्प करता है कि वो रिसोर्स कहाँ पे लोकेटेड है, तब वेब ब्राउज़र उस लोकेटेड रिसोर्स तक जाके वो रिसोर्स आपके सामने प्रेजेंट करता है, और इस तरीके से आप उस पर्टिकुलर वेब पेज को देख पाते हैं. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. वी विल डू द रेस्ट ऑफ द टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.